देख रहे हैं किला कितना बड़ा है, फिर भी इसका किराया 100 रुपए साल का है। आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि इतने बड़े किले का किराया 100 रुपए कैसे हो सकता है। अगर इसका एक साल का किराया 100 रुपए है तो इसको कोई भी बच्चा भी किराए पर ले सकता है, वो भी एक साल के लिए। और एक ही साल के लिए क्यों, वो तो पूरी जिंदगी भर इसे किराए पर ले सकता है। लेकिन आपको बता दें, 12,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक मारवाड़ राजघराना इस किले को सिर्फ 100 रुपए किराए पर चढ़ाता है, वो भी एक साल के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप भी इसे किराए पर लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बताते बेशक इस किले किराया एक साल का 100 रुपए है, लेकिन फिर भी इसकी कमाई 20 करोड़ से 50 करोड़ तक है, वो भी एक साल की। अब आप सोचोगे, इतनी कमाई करने वाला ये आलीशान किला आखिर 100 रुपए किराए पर क्यों चढ़ा देते हैं ये मारवाड़ राजघराने के लोग। दरअसल इस राजघराने ने अपना ही एक ट्रस्ट बना रखा है, जिसे ये खुद ही 100 रुपए किराए पर ये किला दे देते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा करते ही क्यों है, किला जब इनका है तो इन्हें खुद ही से 100 रुपए किराया लेने की क्यों जरूरत पड़ी, और क्यों इन्होंने अपना ही ट्रस्ट बनाया जिसको ये हर साल 100 रुपए किराए पर अपना ही किला दे देते हैं। दरअसल इस किले का मालिकाना हक पूर्व राजघराने के पास ही है, लेकिन ये शेड्यूल ए कैटेगरी की प्रॉपर्टी में आता है जिसका ऐतिहासिक महत्व है, इसीलिए इसे बेचा नहीं जा सकता। ट्रस्ट बनाकर इसका मालिकाना हक रखा जा सकता है। इसी वजह से इस राजघराने ने 1972 में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट बनाया, और इसी ट्रस्ट को यह किला 100 रुपए सालाना किराए पर दे दिया जाता है। क्योंकि यह किला ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है, इसलिए इस पर कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं लिया जा सकता, और इसी तरीके से ये 12,000 करोड़ के मालिक अपना टैक्स बचा लेते हैं। क्योंकि इसका साल का किराया 100 रुपए रखा गया है तो इस पर कोई टैक्स लग ही नहीं सकता, और ना ही इस ट्रस्ट की कमाई से सरकार कोई भी टैक्स वसूल कर सकती। तो ये एक तरीके से टैक्स की चोरी भी हो रही है और कमाई भी हो रही है। अब आपको बताते हैं कमाई कैसे करते हैं अपनी। दरअसल 100 रुपए किराए पर दिया जाने वाला किला फिल्म शूटिंग में भी किराए पर दिया जाता है, लेकिन वहाँ से ये कमाता है करोड़ों रुपए सिर्फ कुछ ही दिन के। और इतना ही नहीं, ये किला शादी पार्टियों के लिए भी दिया जाता है करोड़ों रुपए में सिर्फ एक रात के लिए। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के 50वें जन्मदिन की पार्टी भी इसी किले में मनाई गई थी, और यही वो किला है जहाँ पर अरुण नायर और लीजा हार्ले की शादी हुई थी। ये दुनिया की 5वीं सबसे महंगी शादी भी थी। लेकिन अब ये सभी चीजें सरकार की निगाहों में आ चुकी है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है क्योंकि ये ट्रस्ट अब मूल मकसद से हटकर बिजनेस करना शुरू कर रहा है, इसलिए इस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 123 करोड़ रुपए का वेल्थ टैक्स वसूल करने के लिए इनके 30 बैंक सीज कर दिए हैं। लेकिन फिर भी इस राजघराने के लोग अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि दिन रात मजदूरी करने वाला एक आदमी भी सरकार को टैक्स देता है, लेकिन इतने अमीर होने के बावजूद भी ये लोग आखिर टैक्स क्यों बचाते हैं। लेकिन सरकार ने अपना कड़ा रुख अपना लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुली छूट दे दी है कि इनसे टैक्स वसूला जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए देखो इसको।